हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बैंकिंग फ्लुएंट एनके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से मतलब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो दैट इज़ वाई। एंड अभी से मैं रेगुलर रहूँगी यहाँ पे। तो जैसे कि आप जानते हो कि SPI 2022 इज़ कमिंग, सो वी हैव टू टारगेट दैट एग्जाम। एंड वन थिंग आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल हेयर, ये जो तीन टेस्ट आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑलिव बोर्ड, ठीक है। एंड ये जो तीन टेस्ट आपको दिख रहे हैं, इनमें काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड है। ये मैंने आई थिंक 6-7 मंथ्स पहले दिया था ये टेस्ट नंबर वन, और ये टेस्ट मैंने 4-5 मंथ्स पहले दिया होगा, और ये टेस्ट मैंने कल दिया। तो मैं आपको दिखाना क्या चाहती हूँ, यहाँ पे आप देखो जो मेरा स्कोर है, वेट। सो यहाँ पे मेरा परसेंटाइल अगर मैं बात करूँ तो 47.2% है, जो कि बहुत खराब है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा टोटल स्कोर 38.5 है। आई थिंक 7 मंथ्स तो एटलीस्ट हो गए होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर सॉरी उसके बाद ये देखो, यहाँ पे मुझे 54.25 स्कोर मिला है, ठीक है। एक्यूरेसी मेरी दोनों जगह सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे मेरी ये जो मेरा कल का टेस्ट है ना, इन दिस टेस्ट आई गॉट वेट या सो आई गॉट 95.6% विच इज़ वेरी वेरी गुड इन ऑलिव बोर्ड। आपको ऑलिव बोर्ड में 80+ परसेंटाइल अगर आ रहा है तो आप बहुत अच्छे जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे मेरा स्कोर है 75, इसको मैं और इम्प्रूव अभी कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा मैथ्स में दिक्कत रहा है शुरू से। और मेरा ये प्रॉब्लम है कि अगर मतलब जैसे मैं अभी ठीक नहीं थी तो मेरा ना काफ़ी 7-8 दिन मेरे वेस्ट हो गए, और उन दिनों में मैंने कुछ नहीं किया। तो जब आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस छूट जाती है ना, तो आपका जो मार्क्स है वो नीचे जाने स्टार्ट हो जाते हैं। सो बाकी मेरा इंग्लिश यहाँ पे आप देख सकते हो 92% है, और यहाँ पे क्वांट्स में मेरा परसेंटाइल 69 है, एंड इन रीजनिंग आई गॉट 96%। सो दिस इज ओवरऑल मतलब इस वीडियो के बारे में। तो मतलब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि आप देख रहे होगी कि मैंने 5-7 महीने पहले मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही थी। मुझे 38.5 मार्क्स मिले थे। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको 40 तक के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को देख के आप देख सकते हो कि मैं ऑलिव बोर्ड के थर्ड मॉक में यहाँ पे कितना मेरा परसेंटाइल आ रहा है। तो मतलब आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली आप प्रिपेयर करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। जिस टॉपिक में वीक है उसको एक दिन में 1 घंटा दे लो। अगर पजल्स में वीक हो, DI में वीक हो, तो एक दिन में 1 घंटे में बैठ के उसको बनाओ। 10 बनाओ, 15 बनाओ, 20 बनाओ, 25 बनाओ, जितनी बना सकते हो बनाओ। और नेक्स्ट डे जब आप पजल सॉल्व करोगे या DI जो भी आपका वीक टॉपिक है, तो आप देखना आप उस टॉपिक में कभी भी अटकोगे नहीं। तो दिस इज दी वे हाउ यू कैन प्रिपेयर, ठीक है। आपको एक मंथ डिफिकल्ट लगेगा, चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, आपको लगेगा कि आप गिव अप कर दें, लेकिन जब आप एक मंथ के बाद उन सब चीज़ों को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। बाकी इस चैनल पे और भी वीडियोस डली हुई हैं आपकी स्ट्रेटजी के रिलेटेड, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। एंड इसके बाद मैं और भी वीडियोज़ बनाती रहूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।